अपन लोग पहले होमवर्क डिस्कस कर रहे हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन में क्वेरी होगा आप मुझे बोलिएगा। अपना आज का एम सिर्फ ये एक्सरसाइज कंप्लीट करना ही रहने वाला है आफ्टर डिस्कसिंग होमवर्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट सब पार्ट एनी वन, फर्स्ट या सेकेंड सब पार्ट एनी वन, क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट सब पार्ट, सेकेंड सब पार्ट, क्वेश्चन थ्री का फर्स्ट सब पार्ट, सेकेंड सब पार्ट, क्वेश्चन नंबर फाइव का फर्स्ट सब पार्ट। देख बेटा, ओके, फर्स्ट सब पार्ट का बताता हूँ, विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का मतलब कुछ नहीं। मान ले अगर तेरा ये ऐसी कोई लाइन है तो ये एक्स एक्सिस ये भी एंगल बना रहा है, ये भी एंगल बना रहा है, तो वो पॉजिटिव का मतलब ये वाला हो जाता है और विथ नेगेटिव वाले का मतलब ये वाला एंगल हो जाता है, ठीक है। तो अगर मान ले यहाँ पे विथ नेगेटिव एक्सिस पूछता भी, वैसे लाइन का स्लोप कितना आ रहा है, माइनस ए बाई बी आ रहा है तेरा, यानी माइनस रूट थ्री आ रहा है, माइनस रूट थ्री मतलब 120 डिग्री होता है तेरा, ठीक है। तो तेरे को अगर ये 120 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये वाला तेरा 60 डिग्री हो गया होता अगर पूछा होता तो। अब तू मुझसे पूछे नेक्स्ट वाला, वो क्वेश्चन बहुत फुद्दू है। देखो ट्राइंगल के एरिया के फॉर्मूला क्या क्या पता है, मैं चल ठीक है, मैं तेरे को दूसरा अपने मन से क्वेश्चन बना के देता हूँ। 8x प्लस 4y इज इक्वल टू 3 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये एक लाइन है, ये लाइन एंड एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में ट्राइंगल बन रहा है, हाँ तो ये बन रहा है ऑब्वियसली, मुझे इसका एरिया बता दो। बेटा इसके लिए मुझे ये लेंथ की जरूरत, और ये लेंथ की जरूरत पड़ जाएगी क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, हाँ। और वो लेंथ का मतलब क्या होता है, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट, तो फट फट मैंने एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकालना शुरू किया, तो इसे एक्स अपॉन 3/8 प्लस वाई अपॉन 3/4 इज इक्वल टू 1 लिख दिया, तो ये एक्स इंटरसेप्ट मेरा 3/8 बन गया, वाई इंटरसेप्ट मेरा 3/4 बन गया, एरिया मेरा कितना आएगा, मॉड्यूलस ऑफ हाफ बेस इंटू हाइट, वो जो भी आंसर दे रहा है अब 9/64 आई सपोज सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा। मैंने मॉड्यूलस इसलिए डाला, हो सकता है कोई एक आधा इंटरसेप्ट आपका निगेटिव में हो, बट एरिया निगेटिव नहीं होने वाला आप लोगों का, समझा जी क्या हुई है। ये वाली लाइन को पहले आप लोग इंटरसेप्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करके एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकाल लो, ठीक है। तो आपका एक्स इंटरसेप्ट मतलब ये लेंथ हो जाएगी, वाई इंटरसेप्ट मतलब ये लेंथ हो जाएगी, हो जाएगा। अब देखो उसने वैसे कैसे लिखा था ना, ये लाइन एक्स इक्वल टू 0 एंड वाई इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, वाई एक्सेस, वाई एक्सेस बस, और वाई इक्वल टू 0 का एक्स एक्सेस, तो बेसिकली वो ये वाले ट्राइंगल का ही एरिया मांग रहा था आप लोगों से, फाइन। फट से क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का सेकेंड वाला ट्राई कर लो आप लोग, वो भी चल जाएगा, वो इंटरसेप्ट निकालने का दूसरा तरीका रहता है, मैं इंटरसेप्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया था उसको। जिन लोगों ने होमवर्क नहीं किया हुआ है, आज का होने के बाद में पूरी एक्सरसाइज कर लेना, क्योंकि ये एक एक्सरसाइज है जो तुम्हारे को काम में आने वाली है आगे, और इसके बाद वाली वैसे सिंपल है बाद वाली बहुत, बट अगर नहीं करोगे तो बहुत इशू आ जाएगा तुमको, क्योंकि इसके बाद अपन एकदम से जाएंगे लिमिट्स कंटिन्यूटी डिफरेंशिएशन वगैरह पार्ट पे, तो फॉर अ लॉन्ग टाइम हम लोग ये इक्वेशंस देखेंगे नहीं, फिर आपको बाद में बहुत पछतावा होगा एक्सरसाइज का होमवर्क नहीं करने का। वो ईजीली हो जाएगा, टेंशन मत लो उसका, हो गया है, तुमने पॉइंट्स निकाल लिया, एरिया निकाला बेटा तुम्हारा, एक्स इंटरसेप्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ से कुछ आ रहा है 5 और वाई इंटरसेप्ट आ रहा है 4, तो एरिया आ जाएगा 10 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, ये देखो अब ये वैसे मैंने पढ़ाया नहीं है, पर मैंने वो इसलिए दे दिया था कि आपको हिंट था, जैसे आपको भाई सर्कम सेंटर पता है क्या होता है, हाँ नहीं नहीं नहीं, नहीं। पास होगा, देखो एक ट्राइंगल है कोई मान लो, ए बता देता हूँ, ठीक है। देखो तुमको नाइन्थ में एक प्रॉपर्टी थी, ठीक है, वो नाइन्थ की प्रॉपर्टी जैसे एक बार याद दिला रहा हूँ तुमको, ऐसे बहुत यूज वाली नहीं है, कोई भी अगर एक ही पॉइंट दिया हुआ रहे ना तो यहाँ से आप इनफाइनाइट सर्कल्स बना सकते हो इसके ऊपर से पासिंग, दो पॉइंट्स भी अगर दिए हुए हो तो भी आप लोग यहाँ से इनफाइनाइट सर्कल्स बना सकते हो। अगर मैं तीन
नॉन कोलिनियर, देखो तीन स्ट्रेट लाइन में हो जाएंगे तो एक भी सर्कल पास नहीं होगा, तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स अगर आपको पता है और इस पे से अगर आप सर्कल बना रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ एक ही यूनिक सर्कल पॉसिबल है, ठीक है। बिफोर गेटिंग फर्दर एक्सप्लेन, नेवर देता बेटा टॉक टू मी, बेटा तूने कहाँ तक के अटेंड किया हुआ है स्कूल में या फिर वीडियोस में? सर स्कूल में मुझे 13.6 तक क्या आता है? हाँ फिर ठीक है, बैठिए, हाँ 7.6, हाँ चलिए, हाँ फाइन, ठीक है। अब देखो ये तीन पॉइंट्स पे से एक ट्राइंगल बनने वाला था और एक इस पे से एक ही कोई सर्कल पास होगा, ठीक है। तो ये सर्कल का जो मिड पॉइंट जो रहेगा, सेंटर जो रहेगा ना, वो इस सर्कल का क्या हो जाएगा? सर्कम सेंटर हो जाएगा। समझे चीज क्या हुई है? पक्का? अब वो निकालते कैसे थे? वैसे जो तीन पॉइंट्स थे ना, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स एक पॉइंट पे जो मिलते थे, तीनों एक ही पॉइंट पे मिलते थे, वो बन जाता सर्कम सेंटर मेरा, फाइन। अब देखो जब मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल के साथ खेलता हूँ ना ये वाली चीज में, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ मिलता है, इसका यहाँ मिलता है और ये इसका मिड पॉइंट जैसा बन जाता है वो कुछ ऐसा, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप ये चीज़ ध्यान रख लो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल अगर है उसका सर्कम सेंटर मांगा गया है तो हाइपोटेनियस का सेंटर या मिड पॉइंट रहने वाला है, ठीक है। कोई इशू? पक्का? जिन लोगों का ये वाला नहीं हुआ था, क्या इसको बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, वो लोग प्लीज़ फट से करेंगे वाला। कोई कर रहा है? नहीं कर रहा? तुम लोगों का सबको हो गया था हिंट देख के? हाँ देखो जस्ट एक बार मैं स्टिल बता दे रहा हूँ, तुम लोगों का कुछ ऐसा जो बन रहा होगा तो उसके अंदर तुम्हारा ये वाला कोऑर्डिनेट होने वाला है 0.6 और ये जाएगा 4.0, तो उसका मिड पॉइंट हो जाएगा 2.3, ठीक है। ये 1 मार्क के इसमें पूछ सकते हैं ऑब्वियसली, वो हिंट नहीं देना लगा, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 एनीवन? यस। व्हाट इज द अक्यूट एंगल बिटवीन दिस एंड दिस लाइन 45 डिग्रीज? देख वाई इक्वल्स टू 0 मतलब एक्स एक्सिस होता है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0, तो इसका स्लोप कितना हो गया है? -a/b, मतलब 135 डिग्रीज हो रहा है उसका, ये 135 डिग्रीज अगर हो गया है तो ये अक्यूट एंगल तेरा 45 डिग्रीज, ठीक है। कर ले तो कुछ भी हाथ पर मारना उसके ऊपर, अभी तो गाली दे रहा था ये लड़का, अभी तो गाली दे रहा था तू, चल 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 कोई बात नहीं। अभी क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 एनीवन? 9 एनीवन? हाँ 8 का फोर्थ, वाई इक्वल्स टू 0x-3। क्वेश्चन नंबर 9 एनीवन? 10th एनीवन? विच वन? अ लाइन पासिंग थ्रू दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस, इसका स्लोप कितना है तेरा? -4/3, इसका स्लोप कितना है तेरा? 3-2α/-2-α, ठीक है। इसकी जगह पे इसको ऐसे लिख दे रहा है, बहुत सारे माइनस दिख रहे, इरिटेट हो रहा हूँ, 2α-3/α+2, ठीक है ना। दिस इंटू -4/3 इज इक्वल टू -1 हो रहा है, -1 काट दिया मैंने, कल फट से मैं रुकाऊँ। तूने होमवर्क किया क्या? याद से करना भी पूरी एक्सरसाइज। सर्कल से पैरा बोला, तुम्हारा कब आने वाला टाइम टेबल? प्रे करना पेपर स्टार्टिंग में ना हो, मार्क्स का इशू हो जाएगा तो अच्छा खासा।
चलो अभी क्वेश्चन नंबर 11 एनीवन, सॉरी 10th का सेकंड वाला, इफ लाइन दिस दिस एंड दिस फॉर्म थ्री कॉन्सिक्यूटिव साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी। देख तीन कॉन्सिक्यूटिव है, मान ले ये और ये आजू बाजू वाली है, तो ये दोनों का स्लोप परपेंडिकुलर होगा 90 होगा, तो इसका स्लोप -3 अपॉन 1 इनटू -1 अपॉन -a इज इक्वल टू -1 होना था, तेरे ए की वैल्यू 3 आ गई इससे, फिर ये और ये तेरे पैरेलल हो जाएगा बोल दे, या फिर ये और ये तेरे परपेंडिकुलर हो जाएगा बोल दे, ये साइड ये साइड और ये साइड तीन कॉन्सिक्यूटिव साइड्स है, कोई भी हाँ, तो तेरा फर्स्ट वाला ये है, सेकंड वाला ये, थर्ड वाला ये, तीन कॉन्सिक्यूटिव है ना, ऑब्वियसली द शेप कुड हैव इवन बीन दिस वे, क्या देखो और दिस वे और दिस वे, बट एट द एंड ऑफ द डे ये और ये पैरेलल होने वाले हैं, ये इससे भी परपेंडिकुलर, इससे भी परपेंडिकुलर होने वाला, ठीक है कर मैं रुकाऊँ, पहले और तीसरे वाले का इक्वल करना है, पहले और दूसरे का परपेंडिकुलर करना है, यश युग एंड ये तीसरा, छूट जा मत करो टाइम पास, नो आइडिया बेटा, ओ 10th का फर्स्ट वाला है 18/5। चलो गाइस बड़े आगे 11th एनीवन 12th एनीवन, किसी ने किया हुआ है इसके आगे का 14th एनीवन, आ गया है डाउट है, नहीं डाउट नहीं है, 15th में भी नहीं है, तो गाइस ठीक है फाइन, अब आगे के अपन लोग नेक्स्ट इसमें डिस्कस करेंगे। अब गाइस देखें चेक विद एग्जांपल नंबर 12, अ नाइस क्वेश्चन, 11th हो गया था ना कल बेटा, हाँ ये चेक विद एग्जांपल नंबर 12, नाइस क्वेश्चन बेटा, चेक है ना, यहीं पढ़ लो एक बार के लिए आप लोग, एक वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 2,3 एंड इक्वेशन ऑफ द अपोजिट साइड, ये वर्टेक्स है अपोजिट साइड की इक्वेशन है √3x + y = 2, आपको बचे हुए दोनों साइड्स का इक्वेशन बताना है, डायग्राम में इसी का यूज कर ले रहा हूँ, ये पहले कोई तो एक लाइन बनी जैसा ये है, ऑब्वियसली यहाँ पे कोई ये ऐसा एक्स एक्सेस वाई एक्सेस नहीं कि पैरेलल है, उसने रैंडमली बनाया हुआ है, ठीक है ना, ये आपकी लाइन बन गई है जिसका इक्वेशन ये है, उसके अपोजिट में कहीं तो एक ये पॉइंट है, आपको ये और ये बताना है, फाइन, तो मुझे एट द एंड ऑफ द डे मैं लाइन वन की बात करूँ या लाइन टू की बात करूँ, उसका एंगल विथ लाइन थ्री मतलब अक्यूट एंगल इज गोइंग टू बी वॉट 60 डिग्री, तो मैं पहले बस एक लाइन की निकालने की कोशिश करता हूँ एल वन के लिए, ठीक है, इसका लाइन वन का स्लोप कुछ एम मान रहा हूँ मैं, तो देखो टैन थीटा इसका इसका स्लोप तो कितना हो रहा है बेटा मेरा -√3 हो रहा है, ठीक है ना, तो टैन थीटा इज इक्वल टू एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू होगा, जो कि टैन 60 के बराबर होने वाला है, उसके बीच में एंगल 60 डिग्री है, तो एम प्लस √3 अपॉन वन माइनस √3 एम इज इक्वल टू √3 एंड इसका मॉड्यूलस रहा, सॉरी फाइन। अब इसके बाद में मेरे इसको ओपन करने के दो तरीके हो जाएंगे सर, एम प्लस √3 अपॉन वन माइनस √3 एम या तो √3 के बराबर होगा या एम प्लस √3 अपॉन वन माइनस √3 एम या निगेटिव √3 के बराबर होगा। अब ये पहले इसको सॉल्व करूँगा इसमें, तो एम प्लस √3 इज गोइंग टू बी √3 माइनस 3m, ये कट गया मेरे, m की वैल्यू 0 आ रही है इससे, 4m इज इक्वल टू 0, तो m भी 0 हो रहा है। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो m प्लस √3 इज इक्वल टू माइनस √3 प्लस 3m, 2√3 इज इक्वल टू 2m, तो m की वैल्यू इससे मेरी √3 आ रही है, तो या तो m 0 है या m √3 है। इसका बेसिकली मतलब क्या है, ये जो दो लाइंस बची थी उसमें से एक का स्लोप यानी टैन थीटा का 0 है और दूसरे का √3 है, तब देखो अगर स्लोप 0 है और पॉइंट मेरा क्या है 2,3, ये इक्वेशन बना लोगे इससे आप लोग, एंड इफ m इज इक्वल टू √3 और पॉइंट वापस से 2,3 है, तो इससे आप लोग दूसरा बना लोगे, तो एक L1 और कोई एक L1 कोई एक L2 हो जाएगा उससे,
हाँ वही वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन, तो दोनों बन जाएगी। समझे चीज़ क्या हुई है, फट से इसको अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन को। हाँ बेटा क्या 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 और में वो कैसे आया देख, एक तो उसका ये इक्वेशन चल रहा था, दूसरा ये इक्वेशन चल रहा था, उसने ये इधर भेजा है ये इधर भेजा है, रूट थ्री प्लस रूट थ्री का टू रूट थ्री। नहीं, एक एम इज इक्वल टू जीरो चल रहा है तेरा और एक ये चल रहा है। ये संडे को बेटा फुल टेस्ट पेपर, फुल चैप्टर का टेस्ट रहेगा आप लोगों का, और आपका टेस्ट पेपर तुमको मोस्टली कल तक के मिल जाएगा। अभी जो संडे को आएगा वो तुम लोगों का फुल चैप्टर का टेस्ट रहेगा, और जो तुमने ये संडे को दिया था वो करेक्टेड पेपर कल तक के मिल जाएगा फुली। कोई बात नहीं, देना मनाही थोड़ी उसकी, कभी रोकूंगा क्या तो कोई एग्ज़ाम देने लगे किसी और के में। अच्छी बात है, तो तेरे को डांट खाने से भी रोक पाऊंगा क्या मैं? होमवर्क नहीं करने से रोक नहीं पाया मैं तेरे को, बच्चे से कैसे रोको बेटा? तूने उसमें स्लोप क्या यूज़ किया है बेटा ए बी वाले में? ऐ 60 चोपे ऐ पागल है क्या तूने? जब ये एम ये निकालना है, एम ये और ये निकालना है तूने था, तो बस ये 60 60 मत देख,
वो एक्स एक्सिस के साथ थोड़ी है कोई सिक्सटी है। लगा तू पहले एक बार के लिए एम की वैल्यू ज़ीरो यूज़ कर और पॉइंट तेरा 2.3 यूज़ कर, उससे एक इक्वेशन बनेगी तेरी। फिर उसके बाद में तेरे एम की वैल्यू जो तूने एक और रूट थ्री निकाला है वो यूज़ कर और पॉइंट की वैल्यू 2.3 यूज़ कर, समझा? वाई कुछ थ्री एक आ रहा है और ये कह रहा है वाई कुछ रूट थ्री एक्स माइनस टू रूट थ्री प्लस थ्री। हो गया गाइस? योग फोन अंदर रख देता। अब ज्यादा इम्पोर्टेंट है तुझको भी सदर जाना है क्या आज? सिविल लाइन, सॉरी। सब ध्यान से बैठे लो। मुझे एक चीज बताओ, मैंने कोई भी दो रैंडम, सॉरी होने का क्या? y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन, नहीं y माइनस थ्री इक्वल टू रूट थ्री एक्स माइनस टू रूट थ्री। डिस्ट्रीब्यूटिव लगाया मैंने, तो y इज इक्वल टू रूट थ्री एक्स माइनस टू रूट थ्री प्लस थ्री। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब ये देखिए बेटा, मैं आपको कोई दो रैंडम लाइंस की इक्वेशन अगर दूंगा तो मुझे पहले आप ये बताइए, क्या आप वो कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है बता पाओगे? कैसे? सॉल्व करके, करेक्ट। अगर मैंने आप लोगों को कोई एक एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू थ्री एंड थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल टू फोर कुछ दे दिया होता, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? इनको सॉल्व करते साइमल्टेनियसली जो आंसर देता है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाता है। चलो गुड, अब एग्जाम्पल नंबर 13 पे आ जाओ। शो दैट द लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर, ठीक है, टू अ लाइन जॉइनिंग दिस, उसको 8:5 रेशियो में डिवाइड करती है। वैसे करने के मल्टीपल तरीके हैं। आपको क्या दिया गया है? ये बी और सी दिया गया आपको। कोई तो एक पॉइंट दिया गया है 4.1, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा वहां से यहां पे और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी वो उसको 8:5 रेशियो में डिवाइड कर रही है, आपको ये बताना है। तब कैसे करोगे इस चीज के लिए अभी सॉल्व? आप लोग पहले तो आपको इसकी स्लोप तो चाहिए ही रहेगी, साथ ही साथ में इसका इक्वेशन भी लगेगा आप लोगों को। क्यों लगेगा इक्वेशन बाद में बताऊंगा आपको। ये पॉइंट आपको पता है कितना है? 4.1 है। इसकी स्लोप से आप इसकी स्लोप निकाल सकते हो, ये परपेंडिकुलर लाइन जो बनाओगे उसकी, इसकी स्लोप आपको मिल चुकी है। क्या उससे अब आप लोग इक्वेशन बना पाओगे? अब आपको ये वाले की भी इक्वेशन पता है, इसकी भी इक्वेशन पता है, पॉइंट मिल जाएगा आप लोगों को। हाँ, जैसे ही पॉइंट मिल गया फिर आप लोग कौन से रेशियो में बटा है आप वो बता सकते हो। देख, तुझे ना उसने बी और सी को दो पॉइंट दिए बेटा, ठीक है, उस पर एक लाइन सेगमेंट बन रही है, बोल रहा है ए कोई तो एक पॉइंट है वहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा इसके ऊपर, तो ये बोल रहा है कुछ 3:8 रेशियो में डिवाइड हो रहा है, ये शो करना है अपने को। तो मैंने बोला देखो ये पॉइंट पता है, देखो ये पॉइंट पता है, देखो ये पॉइंट पता है, ये दोनों पॉइंट पता है, इसकी इक्वेशन पता है, इसकी स्लोप पता है, तो इसकी स्लोप तेरे को मिल जाएगी नेगेटिव रेसिप्रोकल से। ये पॉइंट पता है, ये स्लोप पता है, तो इसकी इक्वेशन तेरे को मिल जाएगी। दोनों की इक्वेशन अगर पता है तेरे को ये पॉइंट मिल जाएगा साइमल्टेनियसली सॉल्व करने पर। अब इनको भूल जा, तेरे को ये पता है, तेरे को ये पता है, तेरे को ये पता है, तेरे को रेशियो ढूंढना था, तो तूने केस टू वन पापी लिया, फिर एक्स थ्री को एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपन एम प्लस एन से करके के की वैल्यू निकाल दी।
समझा क्या हुआ है? के एस टू वन रेशो मानते हैं, अगर रेशो नहीं पता तो के एस टू वन मान लो, फिर ये मान लो 2.8 था, ये 1.4 था, ये 5.3 था कुछ, तो वो अपन करते ना ये इज़ इक्वल टू 5k+1 अपॉन के प्लस वन, इधर उधर करके सेक्शन फॉर्मूला से, ठीक है? हाँ भाई साथ में सॉल्व करना है, क्या होता है दो इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व करना, मतलब एलिमिनेशन कर या सब्स्टिट्यूशन कर, ठीक है? हाँ लिया लिया, हाँ लिया 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 भाई। चलो फट से अब आप लोग एग्जांपल नंबर 13 करोगे। एग्जांपल सिंपल है, बस थोड़ा सा मेहनत वाला है, करिए फटाफट बेटा प्लीज। सर अभी तक कितने करवाने हैं? 6 बेटा। दे तुम नहीं टाइम पास मत करना, करना सॉल्व प्लीज बता। सर वो 6 ऐसे कुछ नए थे कि मतलब ऐसे अरे क्रेश दूसरा शुरू है, पहले वो होमवर्क डिस्कस हो रहा था। जल्दी जल्दी करो बेटा। नाइन्थ वालों की होती है, नाइन्थ वालों की होती है, तेरे कौन पसंद नाइन्थ में से? बेटा प्लीज बातें मत करो, प्लीज बेटा बातें मत करो, फटफट करो, दे तो सही तू। क्या बेटा? सर हाँ बेटा एक बार दूसरे बता सकते हैं क्या किया? एक बार रुजा नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। अच्छा ओके प्लीज बातें मत करो बेटा, प्लीज बातें मत करो। कल सूरजन बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही थी अपने से, आज एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, लग नहीं रहा है देख के। क्या बेटा दोनों इक्वेशन हो गई तेरी, तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा।
युग वहां से उठ, वहां पे बैठ जा। सॉल्व कर कैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का। हाँ तो को 8:5 तो रेशियो दिखा था तेरे को। खुद से करो, सब जमेगा करोगे तो। दो इक्वेशंस बनानी है तेरे को, तो दो पॉइंट्स पता है पहले, तो उससे एक इक्वेशन बन जाएगी, तो स्लोप पता है, फिर दूसरा देख पॉइंट दिया तो जो ए वहाँ से परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन बनानी है, तो जो वो पता बनानी आती है। दोनों इक्वेशन बन गई, दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व कर लो, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन को जो अच्छा लगता है उससे, तो उससे एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। पहले वो तो निकालो तुम दोनों की। हाँ तब से वही तो समझा रहा हूँ मैं, इक्वेट नहीं करना है तुमको, साइमल्टेनियस सॉल्व करना है उसे बस। दो ही क्वेश्चन पीसी की जरूरत ही नहीं है, तो पीसी क्वेश्चन क्या होती है उसका छोड़, उसका सोल्यूशन को पता भी नहीं उसने क्या किया है, तू बना बीसी की इक्वेशन भाई। तो तेरा रेशियो 8:5 हो गया। इसमें बैठा गया गाइस, हो गया क्या? दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल मेरे भाई। सॉल्व करना यानी कि एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन लगा, एक्स की वैल्यू क्या, वाई की वैल्यू क्या। जो लोग ऑनलाइन है रीजॉइन करो फट से, पहले तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकाल।
अभी क्या करें? तुम्हारे एक्स इंटरसेप्ट आ गया ना। यार तुम्हारे को चार बार समझाया मैंने क्वेश्चन, एक दिन तुम वहां से उठ, पीछे बैठना पे उठ, वहां पे बैठ। तुमको चार बार समझा दिया क्वेश्चन मैंने, एंड देयर कैन नॉट बी अ क्वेश्चन सिंपलर देन दिस। नहीं, वहां पे ये 2 पॉइंट तुमको दिए हुए हैं, इससे इसकी इक्वेशन बनाना तुमको आ जाएगा। तुमको एक ये कोई पॉइंट दिया हुआ है, परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन तुमको बनाना आ जाएगा, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो अब, खत्म। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते? तुमको जब स्टार्टिंग में पूछा तब तुमने बड़े मजाक में देते रहे, हा, ये तो हमको आता है यार। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन लगाओ, तुमको दो इक्वेशन पता है, उसमें एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन लगाओ, उससे एक्स की वैल्यू मिलेगी, वाई की वैल्यू मिल जाएगी, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। तुमको अब ये सब कुछ पता है, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, सेक्शन फॉर्मूला लगाओ। एट अपॉन 13 आ रहा है क्या? काई की वैल्यू दी थी उन्हें बताया, वाई की वैल्यू पता नहीं को, वाई की वैल्यू क्या आ रही है उसमें, क्या आ रही है भाई वाई की वैल्यू? हाँ ये वाला एन में है। एक्स की वैल्यू कितनी है तुम्हारी? बता दो, रुक जा मैं। फोर्टी सिक्स अपॉन 13 आनी चाहिए। फोर्टी सिक्स अपॉन 13 को मैं 17/5। मेरे को बताओ दोनों इक्वेशन क्या क्या आ रही है। बीसी की इक्वेशन क्या आई तुम्हारी? टू वाई माइनस 3x प्लस इज इक्वल टू 0, और ए एन की कितनी है? 3y+2x हाँ -11। ठीक है, 3y+2x-11 इक्वल टू 0। पहले मुझे तो ये इक्वेशन सही है कि बी सी की, उसकी देख के वैसा सही लग रही है। स्लोप सही है, 6.5 से पासिंग होने जा, हाँ सही है। अब ये देखो सॉल्व किया, एलिमिनेशन लगा रहा हूँ, वाई के नीचे वाई लिखा है। अच्छा सॉरी, पे तो वो करा रहे हैं, हाँ वो ठीक है। एक्स को एलिमिनेट देखो, एक्स को एलिमिनेट करना है तो इसको इनटू कितना करना है, बी सी वाली इक्वेशन को 3 थोड़ी करेगा बेटा, देखो एक्स को एलिमिनेट करना है तो एक तरह यहाँ पर लिखा हुआ है, तो उसको इनटू 2 करूँगा मैं, तो 4y-6x+16=0। इसको कैसे मल्टीप्लाई करेगा तू? 3 से अगर कर रहा है तो देख ले एक बार कर, ठीक है ना? आगे तूने माइनस किया या प्लस किया? प्लस किया ना, हाँ। तो 13y- ये तो हट गया है, ये इन दोनों का प्लस का सम कितना है? -17 है सपोज, जैसे वाई के लिए 17/13। ठीक है, तेरा कितना आया था? मेरा 17/13 आया था, आंसर 17/5 बोला। 17/5 सही है, 17/13 नहीं है आपका। एक जा, 17/13 सही है, 17/5 नहीं होगा, 17/13 सही है। ये वाई वाला ही पॉइंट सही है। एक्स वाला निकालो फट से,
जब तक एक्सरसाइज खत्म नहीं होती मैं क्लास छोड़ूंगा नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ। ये पूरे एग्जांपल्स, फिर 4:30 हो या 5 हो, या 5:30 हो जाए वो चलता है। क्या ऊपर क्या लिखा है मुझे पता था। -2 है यहां पे, इसको ट्रांसपोज करेंगे इधर, हाँ तो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ सिक्स बाई 36, 2 से तो कट रहा है वैसे, बट उसके आगे कुछ हो नहीं रहा है वो। फोर्टी टू बाय थर्टी नाइन सही लग रहा है। रुक जा, 3 से कटा, 16:13। रेशियो क्या मांगा है तेरे को उसने, 8:5 ना 6। थर्टी सिक्स बाई 13 जो रहा मेरा तो इक्वेशन क्या थी तेरी, कोई भी बोल दे इक्वेशन। हाँ वाई की वैल्यू कितनी थी अपनी, 17:34:51/13 -11=-2x/143/13=-2x। -92/13=-2x, ये कटा वन सा 46 ना, 46/13। अब रेशियो निकाल के देखो उससे क्या रहा है। अब तुम रेशियो निकालो, पर मुझे पता नहीं एक्स की वैल्यू गलत लग रही है तेरी, पता मैं सॉल्व कर रहा हूँ फटाफट फटाफट यार। क्या था ये पॉइंट होल बी और सी, और सी माइनस, और ये इसका क्या था, पहली इक्वेशन 3x-2y=8 बन रही है, सही है क्या?
तुम लोगों की बीसी की। हाँ टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस इज इक्वल टू 11, ठीक है। वाई की 17/13 ही आई थी अपनी, इसमें डाला मैंने 2x plus 6 17 34 51 13 इज इक्वल टू 11, 2x = 11 माइनस 51/13 यानी 143 माइनस 51/13, 143 माइनस 51 कितना हो रहा था अपना 92/13, तो x की वैल्यू आ रही थी अपनी 46/13, ठीक है। फाइन, अब ये देखो तुम्हारा ये क्या पॉइंट आ गया है, 42/13, 17/13 अच्छी 46 बाई 13। अब रेशियो को तुम कुछ केस टू वन मान लो, तो 46/13 इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन लगाया, 46K + 46 इज इक्वल टू 26K + 18+1 78। इधर उधर सॉल्व करोगे कुछ 20K इज इक्वल्स टू 32 कुछ आ रहा है ना, हाँ तो K इज इक्वल टू 32/20 कितने 4 से कट रहा है तो 8/5, तो रेशियो 8:5 आ रहा है, खत्म। चलो बड़े आगे अभी सॉल्व कर लेना यार तुम लोग खुद से। अब गाइस ये देखो प्लीज एक चीज समझो, एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में अगर मुझे कभी भी डिस्टेंस निकालना है तो इट इज ऑलवेज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। ये चीज अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखने वाले। बट कभी मान लो मैंने बोला ये पॉइंट और लाइन के बीच में अलोंग दिस लाइन डिस्टेंस निकालो, मतलब आपको ये लाइन के इसमें डायरेक्शन में ही बढ़ना है और डिस्टेंस बताना है, तो कुछ नहीं आपको ये डिस्टेंस बताना पड़ेगा। अगर मैंने आपको इसकी इक्वेशन बता दी है, आपको इसकी इक्वेशन भी बता दी है, तो पहले आप ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल पाओगे साइमल्टेनियसली सॉल्व करके, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकाल पाओगे। मान लो कुछ 1.2 आती है कभी, और ये पॉइंट जो दिया गया था कुछ 3.4 था, तब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डिस्टेंस फॉर्मूला से निकल जाएगा। समझा क्या हुआ है? देखो एक और बार, ये क्वेश्चन पढ़ो 14th, डायग्राम ये वाला यूज़ कर रहा हूँ मैं। आपको फाइंड द डिस्टेंस ऑफ लाइन ये फ्रॉम ये बताना है, कोई 2.1, 1.2 पॉइंट है उसका, ये पॉइंट का डिस्टेंस ये लाइन तक के का बताना है अलोंग ये वाली लाइन। तो कुछ नहीं, आप लोग क्या करोगे, ये वाला पॉइंट को भी के लिए भूल जाओ, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को सॉल्व करके आप ये वाला पॉइंट डालोगे, हाँ, और बस ये इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, आंसर आ जाएगा, खत्म। फट से करो यारा। दो इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व करना मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालना, जो लीनियर इक्वेशन एंड कैलकुलेटर टू वेरिएबल में किया था अपन ने पहले, तो उससे जो भी तरह एक्स और वाई की वैल्यू आएगी वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन जाएगा। नहीं उसने छोड़ दिया था, आयुषी सुन बेटा बाजू से पेपर लेके आ जाना, अच्छा वो बाजू में जेरोक्स ले दिया हुआ है, हाँ मिल गया तुमको।
तुमको वहाँ बैठना है, बट वहाँ पे ना 4:30 से क्लास है एक्चुअल में, तो फिर यहीं पे बैठना शुरू कर लो एक एक पेपर लेके। वहीं पे रख दे, ऐसा कि जो भी आएगा ले लेगा। नया चैप्टर स्टार्ट हुआ स्कूल में, अपन अपने हिसाब से कर लेते फिर एक नया पूछ लेते हैं। सर इसके बाद एक्सएन वाई कलर का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है ना बस। तेरा क्यू का है ना, तेरा कोऑर्डिनेट आ गया ना, एक्स ठीक है, जो भी आया है वो, और ये पी वाले का इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। यस तो वियर्ड आंसर आ रहा है, पहले बताओ तुम लोगों को। एक बार बच्चा लोग एक बार इधर देखो, 11th वाले देखो, अगर तुम्हारा कुछ ये ऐसा आ रहा है फिर ये आएगा। अब इसको पागलों समान पूरा पूरा अगर सॉल्व करोगे तो जान निकलेगी, ठीक है ना। तुम स्मार्टली देखो, पहले तो वो नेगेटिव को पॉजिटिव कर रहा हूँ मैं, फाइन। अब देखो क्या इसमें से मैं 23/9 का होल स्क्वायर कॉमन निकाल सकता था। हाँ तो ये देखो, ये बचता था मेरा 1/2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। समझ में आया क्या? जिनको नहीं आ रहा है अगर समझ में, देखो एक बार समझाता हूँ मैं। एक काम करो, इसमें एलसीएम ले लो पहले तुम लोग, सिर्फ समझाने का था तुम लोगों को। तो देखो कुछ और, 23/18 का स्क्वायर प्लस 46/18 का स्क्वायर बन रहा है, जिसको मैं 23 का स्क्वायर प्लस 46 का स्क्वायर अपॉन 18 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। हाँ 18 के स्क्वायर को बाहर निकाल लूँगा तो 1/18, और ये अंडर रूट 23 का स्क्वायर प्लस 46 का स्क्वायर बन जाएगा। अब देखो, अब मैं सिर्फ ये इतने पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, ठीक है ना। 23 स्क्वायर प्लस 46 स्क्वायर का अंडर रूट पे, ये 23 स्क्वायर का तो वैसे लिखा, क्या 46 के स्क्वायर को 2 × 23 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, जिसको 2 का स्क्वायर × 23 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। वहाँ से 23 का स्क्वायर कॉमन निकला मेरा, 1 + 2 का स्क्वायर मतलब 4 बच गया, 23 का स्क्वायर भी बाहर निकल गया तो 23√5 हो गया, और डिनोमिनेटर मेरा 18 था ही। वो नहीं करोगे, अगर ऐसा करोगे ना तो ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा, बट पक्की बात है तुम लोगों को कुछ अजीब सा अंदर तुम लोग छोड़ दोगे उसको आंसर, बड़े बड़े अंडर रूट में, फिर आधा मार्क कटवाओगे अपना, फाइन। ये वाला कैलकुलेशन कर लेना। अब एग्जांपल में 15 देखो पट से, तीन लाइन से कॉन्करेंट होने का मतलब क्या है? तीनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, मतलब इसका अगर डायग्राम रैंडम भी कुछ बना रहा हूँ, ये लाल लाइन है मेरी, ये ब्लू लाइन है मेरी, और ये ब्लैक लाइन है मेरी, ये तीनों एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अगर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो कोई भी दो पॉइंट्स, दो लाइंस को सॉल्व करूंगा मैं साइमल्टेनियसली, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को सॉल्व करूंगा तो मुझे ये पॉइंट मिल जाएगा। मान लो वो पॉइंट 1,2 आता है, तो वो 1,2 वो ब्लू लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो वो 1,2 इसमें डालूंगा मैं, तो पी इंटू 1 + 2 × 2 − 3 इज इक्वल टू 0, तो पी प्लस 4 − 3 इक्वल टू 0, तो पी की वैल्यू -1 हो जाएगी। समझे चीज़ क्या हुई है? आप लोग अब इसका सोल्यूशन देखोगे ना, इसे साइमल्टेनियस जो सॉल्व ये किया है, ये बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से किया है, जो तुम लोगों को लास्ट ईयर था नहीं, एंड जितना मुझे याद आ रहा है, मुझे आई एम नॉट श्योर लास्ट टू लास्ट ईयर वाला वही कट गया था कि मुझे पता नहीं, पर बहुत बकवास तरीका है वो, ठीक है ना। वो वैसे करना ही नहीं है आप लोगों को, आप अपने वाले तरीके से सिंपल से एलिमिनेशन सब्सटीट्यूशन से करोगे।
तो बेसिकली आप लोग वो रेड लाइन एंड ब्लैक लाइन को साइमल्टेनियस सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे। जो भी पॉइंट आता है, इनका पॉइंट कितना आ रहा है 1, -1, तो उसको आप ले लोगे और वो ब्लू वाली लाइन में सेटिस्फाई करोगे तो आपको पी मिल जाएगा। समझा कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है? करिए फट सॉल्व। ये देख, जिसके नीचे मैंने रेड लाइन मार्क किया है, ब्लू लाइन मार्क किया है, ब्लैक लाइन मार्क किया है, तो तीन लाइन है, उसको डायग्राम वैसा बन रहा होगा। कॉन्करेंट मतलब तीनों एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट हुई। हमेशा ज़रूरी है कि तीनों लाइन से एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो। तो तू अगर रेड और ब्लैक वाले को ही देखे, उसको तू सॉल्व कर सकता जैसे तू अभी कर रहा था। तो उससे जो तेरा बीच वाले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है गोला, ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। तो वो निकाला तो तेरा आया 1, -1। वो 1, -1 इस पर भी तो लाई करता है, तो हर एक्स जगह पे 1 डालूंगा, वाई की जगह पे -1 डालूंगा, तो पी की वैल्यू निकल जाएगी मेरी उससे। अरे चिंगी कोई बात नहीं, जल्दी ले पेपर सॉल्व करना शुरू कर। क्या पेपर ले सॉल्व करना शुरू कर भाई, तेरी बॉटल कब से इंतजार कर रही तेरा? क्या बेटा हाँ बेटा P5 आ रहा है। पेपर लेके वहां बैठे, वहां पे भी बैठ सकते हो, ठीक है ना? वहाँ पे क्लास होने वाली है आधे घंटे बाद, तब यहाँ की खाली हो जाएगी, तब शिफ्ट करा दूंगा तुमको। हो गया गाइस यार क्वेश्चन सॉल्व? एग्जांपल 16 ही थी आप लोगों के लिए। जो लोग सॉल्व करना अटेम्प्ट करना शुरू करना चाहते हैं कर भी सकते हो अपने आप। जो दोनों इक्वेशन है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आएगा, वो पॉइंट से देखो एक लाइन बनाए जो इस लाइन से पैरेलल हो जाए। डायग्राम से समझाता हूँ, एक बार जान देगा। हाँ हाँ हिंट चाहिए, अगर ए लोग ए कॉन्स्टेंट होता है, इंटीग्रेट करा तो डिफरेंशिएट नहीं करना मेरे बाप, थोड़ा ना जरूरत बढ़ जाओ दुखा तेरे को आ जाएगा, तू करते आ जाएगा। युग हुआ बेटा, हाँ अभी सुनो बेटा, ये क्या क्वेश्चन है? तुमको कोई तो भी इक्वेशन बना, तुमको कोई तुमको कोई तो भी इक्वेशन बनानी है, ठीक है, जो कि इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होगी। तो फॉर एग्जांपल मान लो ये बिक रहा ब्लैक है, ये वाली रेड है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कुछ हो रहा होगा भाई, तुमने वो निकाल दिया, मान लो कुछ 1, 5 है, रैंडम ले रहा हूँ मैं, एंड इट शुड बी पैरेलल टू दिस लाइन, ठीक है। मान लो अगर ये वाली जो लाइन है वो ऐसी कुछ थी, तो उससे पैरेलल लाइन तुम्हारी ये कुछ बनेगी, तो जो इसका स्लोप है वो इसका स्लोप हो जाएगा। पॉइंट पता है तुम लोगों को, स्लोप पता है, ख़त्म। समझा क्या हुआ है? इक्वेशन वही तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन,
तो जो ब्लैक और रेड लाइन जो है उसको इंटरसेक्ट करके जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट पे से पास होनी चाहिए लाइन, और ये ब्लू वाली लाइन से पैरेलल होनी चाहिए। वो बेटा वो पेपर लो, भाग गए बेटा सब लोग। सब पेपर सेम है बेटा, सब पेपर सेम है। एक बार उनको जाके बोल सर बोला टाइम पास ही करना है अगर तो घर जा के सॉल्व करना। हाँ क्या वो तो बोलने को ला ट्राई कर एक बार। तूने पहले नीचे वाले को टू से कर दे खत्म, चलता है। हाँ पहले वाले को वन से मल्टीप्लाई कर दे सात बन लो। आयुषी क्वेश्चन पेपर का फोटो क्लिक कर मुझे व्हाट्सएप पर बेटा। विधि कैन यू हियर मी, विधि कैन यू हियर मी? यस सर। बेटा मैं तुझे क्वेश्चन पेपर का फोटो क्लिक करके भेज रहा हूँ व्हाट्सएप पे, ठीक है? ओके सर। यू कैन लीव विधि। ओके सर, बट आई हैव टू लीव। यस पेपर ले लेना पे। हाँ यू कैन टेक योर टाइम। क्या -23/5 एंड -21/5 वहाँ पे पेपर कम है क्या? कितने पेपर बचे हैं? हाँ एक बार के लिए दोनों एक एक ले लो। यहाँ बैठना है यहाँ बैठ जाओ, वहाँ बैठना है वहाँ बैठ जाओ। ये सुधीर को वाले का समय बैठा पत्तू बड़े आगे सर। इसकी इक्वेशन क्या बन रही है?
थ्री एक्स प्लस फोर वाई प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, जिनका वो हो गया है वो 17th एग्जाम्पल खुद से कर लीजिए। इसमें क्लियरली क्या दिया हुआ है, दैट अ लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, इक्वेशन क्या थी, एक्स इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट। इन दोनों का अगर सॉल्व किया साइमल्टेनियसली तुम्हारा आता है सॉल्यूशन 8, 10, तुम्हारा एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा उससे 8, समझा। फट से एग्जाम्पल नंबर 17 ट्राई करो, वो इक्वेशन ऑफ लाइन बनाना है। मदान, मदान क्या है, कटारिया, एक्स वाई अगर निकल गया, वैसे वाई की जरूरत है भी नहीं, देखो तो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोला है तो एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। तो जरा पॉइंट पॉइंट करने का, जरा -5/22, 15/22 वो लाइन ऐसी बनने वाली है पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहेगा तो कॉन्स्टेंट की वैल्यू यही रहेगी ना, खत्म। तो x इज इक्वल टू समथिंग आता, तो वो चलिए x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्या बचा, कितने एग्जाम्पल्स और है, आई थिंक दो और है, हाँ दो ही और है गाइस। हो गया ये, आयुषी अमरते को बेटा व्हाट्सअप कर दे फोटो पेपर का, डाल दे। अब गाइस दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझो आप लोग, एक होता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर और एक होता है इमेज, ठीक है ना। तो इसमें क्या होने वाला है आपको बताता हूं मैं, उसका करा दे तुम्हें सेटल अच्छे से। अब ध्यान देते, आपको कुछ ये एक लाइन दी हुई है, मान लो इक्वेशन दिया हुआ है या दो पॉइंट दिया, बेसिकली आप खुद इससे लाइन निकाल सकते हो। मैंने एक ये पॉइंट दे दिया, फुट ऑफ पर्पेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि ये पॉइंट जब मैं पर्पेंडिकुलर लाइन बनाऊंगा तो यहाँ पे इंटरसेक्ट होगी, तो उसका पॉइंट क्या होने वाला है, ठीक है, तो फुट ऑफ पर्पेंडिकुलर हो जाता है। अब जैसे मैं आपको एक बार के लिए पूरा का पूरा ये एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, मैं कहाँ गया है ना, यस नहीं सॉरी ये नहीं, ये देखो ये डायग्राम बना हुआ है, ये है आपको देखो आप सॉल्व करने के, ग्रुप पे फोटो डाले बेटा, हाँ ग्रुप पे फोटो डाले बेटा, ये देखो अभी तुम लोगों ने इससे स्लोप निकाला, इसका स्लोप कितना आने वाला है, 3/4 हो जाएगा, तो इसका स्लोप -4/3 हो रहा है। अब देखो तुम्हारा ये पॉइंट मान लो, आप तुम लोगों को इसकी इक्वेशन निकालोगे तुम लोग लाइन की, तो y-y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x-x1, 3y-9 इक्वल टू -4x-4, तो 4x+3y इज इक्वल टू 5। एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा इससे, करेक्ट। इन लोगों ने थोड़ा अलग तरीके से किया है, बट उसमें भी दो इक्वेशन दो वेरिएबल ही बन रहे हैं। तुम बहुत स्ट्रेस मत लो, तुमको ये वाला पहले से तुम लोगों को करने की आदत है, तुम इससे ही करो, ठीक है। फट से वाला क्वेश्चन को सॉल्व करो आमर्त्य, यस बेटा एक्शन आमर्त्य प्लीज़, उन लोगों को बोल आवाज़ नहीं करेगा, उनको बोल सर सबको यहीं बुला रहे हैं, उनको बोला सर सबको यहीं बुला रहे हैं। देख इसका नाम क्या है, क्रिश, ये देख ये इक्वेशन की लाइन, लाइन की इक्वेशन थी, इसका स्लोप तेरे को पता है
थ्री बाय फोर हो जाएगा, तो इसका स्लोप तेरा माइनस फोर बाई थ्री हो जाएगा। अब तेरे को ये पॉइंट भी पता है, स्लोप भी पता है, तो इसकी इक्वेशन तू निकाल लेगा। फाइन, नहीं पता, नहीं एक ही बताया, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को सॉल्व करेगा साइमल्टेनियसली तो को एन मिल जाएगा, तो एन विल बी फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ पी ऑन दिस लाइन। तुमको वही पॉइंट एन निकालना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। बाय द टाइम यू आर सॉल्विंग ऑनलाइन वाले, न्यू मीटिंग क्रिएट करो, रिजॉइन करो। एक और एग्जांपल करना पे खत्म। माइनस थ्री बाय माइनस फोर जैसे थ्री बाय फोर बन गए। माइनस 49/25, वो थोड़ी अजीब आ रही है, मुझे पता है यार, अब कुछ नहीं कर सकते इन चीज़ों से। शांति से बैठ सकता है सुधीर इतनी देर तक? मैं सुधीर इतनी देर तक शांत बैठ सकता क्या? हाँ, पी एन की इक्वेशन आ गई तेरी, तो वो वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व करके तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। देखो
युग हुआ है बेटा, एक सी सही आई है। फिफ्टी नाइन बाय क्या क्या इक्वेशन बोल, फोर एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, और दूसरी माइनस सिक्सटीन। पहले को कैसे मल्टीप्लाई किया तूने, ट्वेल्व एक्स प्लस नाइन वाई माइनस फिफ्टीन, ट्वेल्व एक्स माइनस सिक्सटीन। अब गाइस अब सुनो एक बार, लास्ट कंसेप्ट ये एक्सरसाइज का, अगेन ऐसा कोई क्रेजी डिफिकल्ट नहीं है कुछ वो कंसेप्ट। अब देखो अगर यही यहाँ ध्यान देना एक बार प्लीज, है समझिए, ये अगर मेरा मिरर जैसा रहता तो ये पॉइंट का रिफ्लेक्शन यहाँ पे कहीं लाया करता, वही पर्पेंडिकुलर लाइन के अलोंग ही लाया करता था। तुम लोगों को पहले क्या करना पड़ता था, फुट ऑफ पर्पेंडिकुलर निकालना पड़ता था। क्यों बताता हूँ मैं, ये तुम्हारा कुछ फुट ऑफ पर्पेंडिकुलर निकला होता, क्या निकला है 68 बाय 25 कॉमा माइनस 49 बाय 25, फिर ये जो लाइन है उसके लिए ये मिड पॉइंट बन जाएगा तुम्हारा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस कुछ था, जितना दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पे इमेज रहेगा, तो ये तुम्हारा मिड पॉइंट बन गया होता। तो अगर ये कुछ अल्फा कॉमा बीटा मैंने माना है तो अल्फा प्लस माइनस वन बाई टू इज गोइंग टू बी इक्वल टू 68 बाई 25 एंड बीटा प्लस थ्री बाई टू इज गोइंग टू बी माइनस 49 बाई 25। समझाइए, देखो तुम लोगों को अगर मैंने अभी जो करवाया था ये कुछ भी एक लाइन दे दिया था, ये पॉइंट दे दिया, तुमको मैंने फुट ऑफ पर्पेंडिकुलर मांगा था, तुमने क्या किया थे, इसकी लाइन से स्लोप निकाला, ये लाइन का स्लोप निकाला, ये पॉइंट पता था, तो इसकी इक्वेशन पता चल गई। जब इसकी इक्वेशन पता चल गई तो ये इंटरसेक्ट करवा दिया तुम लोगों ने, जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ वो फुट ऑफ पर्पेंडिकुलर हो गया था। अब तुम लोगों को अगर मैं ये बोलूँ कि मेरा ये तो एक मिरर था, तो इस पॉइंट का इमेज कहीं यहाँ पे आएगा मेरा, जितना दूरी पे ये है उतना ही दूरी पे ये रहेगा, वो अलोंग यही लाइन लाई करेगा। तो अब देखो ये पॉइंट पता है, देखो ये पॉइंट पता है, देखो ये पॉइंट ढूंढना है, तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा रेशो माइनस टू वन। देखो ये पॉइंट मान लिया कुछ 2.3 था, ये 5.8 है, तो तेरा ये कुछ अल्फा कॉमा बीटा है अभी के लिए मान रहा हूँ, तो अल्फा प्लस 2/2 मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, इक्वल टू 5 एंड बीटा प्लस 3/2 इज इक्वल टू 8। समझा, तो एग्जैक्टली वही चीज़ आप लोगों को लास्ट एग्जांपल में करना है, जैसे एग्जांपल नंबर 19 करो शुरू। तुमको डायग्राम चाहिए, डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है, ये 3.8 का, इसके ऊपर आपको ये बताना है। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, बस मेरे को तो वैसे शांत, मेरे को तो वैसे याद नहीं कुछ भी भाई, मैं जेनरली बोल रहा हूँ, छोड़ दे बच्चा। देख उस सेट से कोई ये याद है तुझे, वो फॉर्मेट से याद नहीं है बच्चा, तो वो चीज़ तू अपने दिमाग में ये रख कि मुझे एक्स वाई जेड फॉर्मेट याद नहीं है। द टेस्ट इज नॉट टू मेक यू स्कोर गुड, इट इज़ टू शो यू व्हाट डू यू रिमेंबर व्हाट डू यू नॉट रिमेंबर। बेटा फट से कीजिएगा प्लीज ये वाला सॉल्व, वैसे नंबर्स क्यूट दिख रहे हैं इसमें, आंसर शायद अच्छा आ जाएगा। एंड ऑब्वियसली अब जो बची हुई पूरी एक्सरसाइज रहेगी वो होमवर्क है। देखो फोटो फोटो निकला आता था पहले से, इमेज भी आता था, अप टू यू। देखो यू आर बेटर जज, तुमने अगर आज ही किया खुद से किया है अलग स्टोरी, जिन लोगों ने किया नहीं है वो लोग कर लेना, जिनके स्कूल में चैप्टर स्टार्ट ही नहीं हुआ है उनको तो करना ही है पूरी एक्सरसाइज, टाइम लगेगा। और अच्छा करना सॉल्व, ये तो कर ले एग्जांपल अभी।
एक मिनट क्या? हाँ बोल क्या है? खत्म हो गया था भाई? हाँ उठ गया। सर जिंदा हो गया।